우리 아직까지는 우리가 받아야 합체 कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे और मेरा वादा है आपसे कि अगर आज इस गेट के बाहर जाने से पहले आप जिबड़ी नहीं हुए तो या आप नहीं या मैं सब कुछ पॉसिबल होगा सब कुछ संभव होगा मैं आपको हर वो चीज दिखाना चाहता हूं मैं हर वो रास्ता दिखाता हूं कि आप सब लोग इस गेट को बाहर निकले तो जिबड़ी बन करके निकले मगर मैं सिर्फ आपको रास्ता दे सकता हूं मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूं आपकी जगह पर आकर के मैं काम नहीं कर सकता एक्शन हमें खुद करना होगा क्या आप तैयार हैं एक्शन के लिए तैयार हैं तो आज ये घड़ी नोट कर लीजिए ये वक्त नोट कर लीजिए सोच लीजिए कि अब कुछ वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ नहीं होगा मेरा एक मानना है कि अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको चार पिलर्स चाहिए चार पिलर्स बहुत जरूरी है उसके बिना जिंदगी में कामयाब होना मेरे ख्याल संभव नहीं है और मैं आज जो भी आपसे शेयर कर रहा हूं दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन तो मेरा खुद का विचार है आप उससे सहमत हो वेल एंड गुड आप उससे सहमत ना हो वेल एंड गुड कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मानना यह है कि अगर हमें जिंदगी में कहीं कामयाब होना है तो सबसे पहले कामयाबी आती कहां से कामयाबी यहां से पहला विचार यहां आता है पहला थॉट यहां आता है उसके बाद कुछ और पहले सोच आती है विचार आता है थॉट आता है और उस थॉट के बाद कोई दूसरी चीज होती है आज का थॉट क्या है आज का थॉट है जीबीडी 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 ड्राइव में और मेरा मानना यह है कि शुरुआत वहां से करो जहां आपको पहुंचना है शुरुआत वहां से करो समझे मेरी बात शुरुआत वहां से करो जहां पहुंचना है बिगिन विद द एंड इन माइंड पहुंचना कहां है कोई डाउट है क्या कहां पहुंचना है तो शुरुआत वहां से करिए क्या है जीबीडी शुरुआत वहां से करनी होगी क्यों क्योंकि अगर शुरुआत हम जीरो से करने वाले हैं तो चैलेंजेस आएंगे वो जीबीडी तक पहुंचने में मदद नहीं करेंगे चैलेंजेस बन के खड़े हो जाएंगे लेकिन अगर मेरी थॉट है कि मैं जीबीडी बन चुका हूं आया मैं जीबीडी तो फिर वो रास्ते का जो भी कांटे हैं कंकर हैं वो धूल हो जाएंगे वो हट जाएंगे एक बार इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच चल रहा था फाइनल मैच क्रिकेट क्रिकेट का फाइनल मैच पाकिस्तान पहले बैटिंग करने उतरता है बहुत रन पड़ते हैं और लगभग 400 रन बन जाते हैं क्या थॉट चल रही क्या विचार आएगा इंडिया हार गई तो ये जो मैच होना था इस मैच को देखने के लिए दो दोस्त छुट्टी अप्लाई करते हैं अपने अपनी जॉब से एक दोस्त को छुट्टी मिल जाती है और दूसरे दोस्त को छुट्टी नहीं मिलती जिस दोस्त को छुट्टी मिलती है वो घर जाता है और घर जाने से पहले रास्ते में से नमकीन बिस्किट्स कोल्ड ड्रिंक्स पकौड़े और बहुत कुछ खरीद के घर लेके पहुंचता है घर जाता है टेबल सजाता है छुट्टी मिली है एंजॉय करेंगे आज का मैच देखेंगे उसकी वाइफ को बोलता है मैडम आ जाओ आज साथ में मैच देखेंगे मैडम ने सोचा आज पता नहीं क्या खास बात है बड़े सालों बाद आज मैच याद आया क्यों क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच बड़े सालों बाद हो रहा है बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लेके जाता है चॉकलेट्स ये वो
पूरी टेबल से ग्लासेस, मैच शुरू होता है और इंडिया को पहली बॉल पे पड़ता है सिक्स, दूसरी बॉल सिक्स, करते 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 मैच खत्म होता है पहली इनिंग और पाकिस्तान 400 रन ठोक चुका। क्या चला होगा जब पहला छक्का पड़ा होगा उस इंसान के दिल पे, क्या गुजरी होगी, क्या निकला होगा? ओह शिट, शायद कुछ ऐसा हुआ। आप क्रिकेट नहीं देखते क्या? Yes. बात नहीं कर रहे हैं। Yes. कुछ हुआ होगा? Yes. 400 रन पड़ गए होंगे। जब 400 रन पड़े होंगे, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज टुडे इज नॉट द टाइम कि मैं आपको एक एक बॉल सुनाऊं। लाइव कमेंट्री सुनाने का समय नहीं आज, आज समय है जीपीटी जाने का। तो कितनी बार बीच में गुस्सा आया होगा, कितनी बार ऐसा मन किया होगा कि इस टीवी को बंद कर देता हूं, हाँ? कितनी बार बच्चों ने डांट खाई होगी, कितनी बार वाइफ से गुस्से से नोकझोंक हुई होगी, पर 400 रन ठुक गए। फिर भी जीत की उम्मीद तो होती है। तो मैच चालू था, मैच देख रहा था, दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है, सचिन तेंदुलकर सामने और पहली बॉल सचिन तेंदुलकर। अब क्या हुआ, उम्मीदें खत्म, मोरल डाउन। वाइफ ने पूछा खाना लगा दूं, आप समझ गए क्या प्रतिक्रिया आई होगी, प्रतिक्रिया आई होगी, रहने दे, नहीं खाना नहीं चाहिए। वो कह रही होगी क्या हो गया, सचिन जी तो आउट हुआ है, तो चुप कर, तेरे को मालूम है। दूसरी बॉल सहवाल आउट। अब वो गिलास तो पड़ा था सब ठीक, मैंने कुछ नहीं बोला, गया मैंने सिर्फ तेरी बोला, उसके बाद कुछ नहीं बोला। स्क्रीन, टीवी स्क्रीन टूटने से बची होगी बस, जैसा ही होगा। लेकिन मैच कंटिन्यू होता, मैच आगे बढ़ता और इंडिया सोच के उतरा था क्या जीतना है। मैच आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और लास्ट ओवर तक मैच पहुंचता है और सामने क्रीज पर होते हैं कुंबले और श्रीनाथ और रन चाहिए 20। लास्ट ओवर 20 रन्स कुंबले एंड श्रीनाथ। क्या चल रहा है, बीच में 10 बार टीवी बंद हुआ होगा, कमरे में गया होगा, फिर आया होगा, टीवी चलाया होगा, देखूं क्या चल रहा है, फिर बंद किया होगा, फिर चला गया होगा, पता नहीं क्या क्या गुजरी। मैं पूरा मैच इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि टाइम शॉर्ट है, बट क्लिप्स छोटे छोटे दे दिया। लास्ट ओवर आया, मैच चालू किया, देखा क्या हो रहा है, अच्छा 20 रन, बैठ तो गए, देखने तो लग गया होगा क्या। पहली बॉल अंदर क्या चल रहा है, मार साले मार, पहली बॉल कुंबले ने बस बैठा था, मैं घुमाया, बॉल फ्लिक हुई पीछे बाउंड्री पे, चला क्या हुआ होगा, उछला होगा, नाचा होगा, तालियां बजाई होंगी, थोड़ा एक्साइटेड हुआ होगा, एनर्जी आई होगी। करते करते लास्ट बॉल पे मैच पहुंचा, आखिरी बॉल वकार यूनुस सामने, श्रीनाथ उधर, 6 रन चाहिए लास्ट बॉल। उधर से वकार यूनुस दौड़ना शुरू करता है, उधर श्रीनाथ की टांगे कांप रही है, पूरा कांप रहा है, पर सोच के बैठा है छक्का ही घुमाना है, बैट तो घुमाना ही है, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है। वकार यूनुस की बॉल, श्रीनाथ ने बैट घुमाया, सिक्स। इंडिया वन द मैच। बस इतनी से एक्साइटमेंट हुई होगी। कमेंटेटर पागल हो रहा है, इंडिया वन द मैच एंड बीट इन द पाकिस्तान।
श्री नाथ को खुद को यकीन नहीं हो रहा, उसने चक्का मार दिया और नाच रहे हैं, खुश हो गए। अब वो दोस्त फटाक से अपने दूसरे दोस्त को फोन मिलाता है जो जॉब पे था, ड्यूटी कर रहा था। शाम को 6-7 बजे बजने वाले थे, उसकी छुट्टी हो गई थी, और उसको फोन मिलाता है कि दोस्त प्रदीप, इंडिया मैच जीत गया। वो पहला व्यक्ति मैं था और वो दूसरे व्यक्ति प्रदीप थे। प्रदीप को छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन प्रदीप को मालूम चढ़ गया, चल गया इंडिया मैच जीत गया, इंडिया वॉन द मैच। अब शाम का समय, बॉस ने छुट्टी दे दी, अब तो घर जाना है। प्रदीप रास्ते में एक दुकान पर रुके, मुझे नहीं मालूम किस चीज की दुकान थी। प्रदीप जी ने ग्लासेस खरीदे नए, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, पकौड़ाज, पता नहीं क्या क्या खरीद डाला जोश जोश में। क्यों? क्योंकि प्रदीप जी ने अपनी वाइफ को फोन किया था कि पूरा मैच रिकॉर्ड करके रखना, आज रात को मैच देखे रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि कल संडे, आराम से उठेंगे, मैच देखेंगे, रात को रिकॉर्डिंग देखे। अब मैच घर पर रिकॉर्ड हो चुका है और प्रदीप जी घर पहुंच गए। प्रदीप जी ने जाके टेबल लगाया, वैसे ही मेरी तरह ग्लासेस लगाए, वाइफ को बोला आओ डाली आज इकट्ठे मैच देखेंगे। अपनी बिटिया को भी बुलाया, बेटा आ जाओ, कल छुट्टी है, मैच देखते हैं आज रात को, रिकॉर्ड है मैच। मैच स्टार्ट हुआ, वही पहली बॉल और पाकिस्तान ने छक्का। प्रदीप जी ने क्या रिएक्शन दिया होगा? अरे वाह, पहली बॉल में छक्का पड़ा था इनको। दूसरी बॉल सिक्स, प्रदीप जी का क्या रिएक्शन था? अच्छा, पहली दो बॉलों में दो छक्के खाए इन्होंने और रन पे रन पड़ रहे हैं। बट दैट फैमिली वाज एंजॉयिंग, प्रदीप जी एंड फैमिली वाज एंजॉयिंग, वो एंजॉय कर रहे थे, सब चालू था। नहीं, आप जो सोच रहे हैं मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं दे आर एंजॉयिंग। आपका ध्यान कहीं और। मैच चल रहा है, रन पड़ रहे हैं, 400 रन ठुक गए। भाभी ने कहा प्रदीप जी खाना लगा दूं? प्रदीप, हाँ हाँ, अरे आओ फटाफट लगाओ बस। क्यों? 400 रन पड़ गए, प्रदीप जी की सेहत पे कोई असर होगा? क्यों? क्योंकि इंडिया तो मैच जीत चुका है, उनको मालूम है रिजल्ट। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट, सचिन तेंदुलकर पहली बॉल पे आउट और प्रदीप जी तालियां बजा रहे हैं। वाह क्या बात है, सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बावजूद मैच जीत गए। दूसरी बॉल सहवाग आउट और प्रदीप जी तालियां बजा रहे हैं। क्यों? ओह माय गॉड, दोनों नंबर वन, दोनों ओपनर आउट होने के बावजूद इंडिया मैच जीत गया, 400 रन मारे इन्होंने, ओह माय गॉड, एंजॉय कर रहे। लास्ट ओवर कंक्लूड करते हैं, 20 रन, श्रीनाथ कुंबले और प्रदीप जी और उनकी फैमिली तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? इंडिया मैच जीत गई। क्या डिफरेंस था दोनों में? व्हाट वाज द डिफरेंस? पहले व्यक्ति को, यानी कि मुझे, मालूम नहीं था कि क्या होगा। पहला मैं, यानी कि पहले हम सब, हमें मालूम नहीं, हम आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या होगा मालूम नहीं, कि चलेगी नहीं चलेगी, बिजनेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मालूम नहीं। तो क्या होता है? अप डाउन्स आते रहते हैं, डर लगता है, चलेगा भी कि नहीं, कर भी रहे हैं पर पूरे मन से नहीं, जरा सा चलने जाता है मन में डाउट खड़ा हो जाता है, हम छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर मालूम हो और अगर हम मान लें और अगर हम ठान लें कि आए मैं जीबीडी, मैं बन चुका हूं, तो भले रास्ते में कुछ भी चैलेंजेस आते चले जाएं, हमें क्या सोचना होगा, हम तो बन चुके हैं। अगर हम बन चुके हैं तो रास्ते में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो क्या लगेगा? तो लगेगा मजाक है, क्या फर्क पड़ता है?
इसने मना किया क्या फर्क पड़ता है, उसने मना किया क्या फर्क पड़ता है, उसने भी मना कर दिया क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो जीपीटी हो चुका हूं, मैं तो बन चुका हूं। ये चैलेंजेस आए थे, ओहो अच्छा, इस व्यक्ति ने भी मेरा मजाक उड़ाया था, उस आंटी ने भी मुझे बोला था, उस दोस्त ने भी मना कर दिया था, पर कुछ लोगों ने तो पागल कहना शुरू कर दिया। उसके बावजूद फर्क क्या पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि यार मैं जीबीटी, मैं तो जीबीटी बन चुका हूं। सो जस्ट रिवाइंड योर मूवी, मूवी रिवाइंड करिए। मूवी का एंड क्या है, क्लाइमैक्स क्या होता है? जब आप जीबीटी बन जाते हैं तो आपको स्टेज पे बुलाएगा। तो सोचिए आप स्टेज पे आ चुके, आपको जीबीटी की मालाएं पहनाई जा रही हैं, आपको बुकेज दिए जा रहे हैं, आपकी फैमिली खुश है, आप जीबीटी बन चुके हैं। अब मूवी रिवाइंड करिए, पूरी मूवी रिकॉर्ड हुई है, आप कैसे बने थे, आपने एंड देख लिया, बन चुके हैं, अब पूरी मूवी रिवाइंड करिए, अब देखना चालू करिए, अब आप सिर्फ देखना चालू करिए। अच्छा ये हुआ था, ओहो अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा उस दोस्त ने साथ छोड़ दिया था, ओके कोई बात नहीं, तो सब आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि एंड मालूम है। सो मैं क्या चाहता हूं, बिगिन विद द एंड इन माइंड, वहां से शुरू करिए जहां आपको पहुंचना है, शुरू वहां से कर सकते हैं। सोचिए आज आपका 80वां 85वां जन्मदिन है, सोच के देखिए, मान लीजिए आज आपका 85वां जन्मदिन है, टुडे इज योर 85th बर्थडे, आपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया है, बहुत सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया, आपके बच्चे आपके सामने बैठे, आपके बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, आज क्या सुनना चाहेंगे आप उनसे? अपने जन्मदिन के दिन आप उनके मुंह से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे? तारीफ, कैसी तारीफ, कि एक दोस्त कह रहा हो गले लग के, दोस्त हो तो तेरे जैसा, ऐसा सुनना चाहेंगे? yes! आपके बच्चे कह रहे हो मम्मा हो तो आपके जैसे या पापा हो तो आपके जैसे, ऐसा बाप किसी दुनिया में किसी और के पास है ही नहीं। आपके रिश्तेदार आपको ये कह रहे हो, तेरे पास आके ना सारी लिफे दूर हो जाती, हर दर्द खत्म हो जाता, मन खुश हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मालूम है मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्यों? क्योंकि वो भी 80, 85, 90 के होंगे, पर रुका नहीं गया तेरे बुलाने पे, मन किया तुझसे मिलने, ऐसा सुनना चाहेंगे? yes! ये सुनना चाहेंगे साला कमीना 85 साल हो गए इसको लोगों को दुखी करते हुए, कुछ रिश्तेदार तो आए ही नहीं, ये पता नहीं बूढ़ा खुसट क्या क्या बोलते हो, आपके बच्चे तक ये कह रहे हो कि अगर मेरा बाप ना होता ना तो मैं आता नहीं, क्या सुनना चाहेंगे? पहले वाला, पहले वाला सुनने के लिए ना बहुत पेन उठानी होगी, वो पहले वाला ऐसे ही नहीं मिलता है, वो आसान नहीं है, दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ इजी कि आपने कैसे भी जिंदगी जी ली और आपको वो सुनने को मिल जाए, आपको अपना खून पसीना अपनी फैमिली को अपने दोस्तों को अपने जानने वालों को अपने मिलने वालों को उनके लिए देना पड़ेगा। कर सकते हैं? yes! करना चाहते हैं? yes! क्या वो तकलीफ क्या वो पेन उठाने को तैयार है? yes! मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो देखिए। क्यों मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप समझ पाए कि अपनी जिंदगी के शिल्पकार अपनी जिंदगी के मूर्तिकार आप खुद ही हैं, आप उस जिंदगी में कैसे रंग भरना चाहते हैं वो आपको खुद चुनना है। You have to decide क्या करना है। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखते हैं जरा वो वीडियो।